दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 9 ऑफ जो मॉक टेस्ट डिस्कस किया गया है उसका पार्ट 9 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने पार्ट 8 तक बताया गया है, प्लीज़ चेक माई प्लेलिस्ट। देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। वेयर इज़ दिलवारा जैन टेम्पल सिचुएटेड? दिलवारा जो जैन टेम्पल है ये राजस्थान में माउंट आबू में आप देख सकते हैं, और इंडिया में क्या क्या जैन टेम्पल्स हैं उसका थोड़ा सा आप गौर करिएगा। और इनका जैन आगमास होते हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट सेक्रेट बुक्स होते हैं, जैसे कि त्रिपिटकास बुद्धिज़्म के लिए है, अपना भगवत गीता जिस हिसाब से है वैसे ही जैन लोगों का फायर टेम्पल भी होता है। इनका हम लोग जिस हिसाब से मंदिर होता है उनका फायर टेम्पल होता है। अगला माउंट आबू में हम लोग लूनी रिवर आरावली रेंज से निकलता है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हिस्टोरिकल श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज़ कंसिडर्ड अमॉन्गस्ट द रिचेस्ट टेम्पल्स इन द कंट्री, जस्ट लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम इन द स्टेट ऑफ। ये आपको तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम जो है केरला, आप जानते हैं जिस हिसाब से पद्मनाभ टेम्पल जो है वहाँ पर आप देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक पद्मनाभन टेम्पल जो है ये तिरुवनंतपुरम दैट इज़ केरल में है, और ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा रामेश्वरम टेम्पल। इसमें आप हाईलाइटिंग लाल जो है केरला में आप देखने को मिलेगा, तिरुवनंतपुरम आप जानते हैं केरला में उपस्थित है, तमिलनाडु में आप रामेश्वरम टेम्पल देख सकते हो, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम आप देख सकते हैं। अगला द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया जो है कैनबेरा, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का वियन्ना है, शायद इसमें नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा है, ऑस्ट्रिया जो है वियन्ना। रियो ब्राज़ील की राजधानी, और बाकी वाशिंगटन न्यूयॉर्क जो है अपना यूएसए की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी। और अगला नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया जो है बांग्लादेश, बाकी जगह आनंदपुरा नहीं है, कोलंबो, श्रीलंका अगर दिया जाए तो ठीक है, बांग्लादेश इसमें सही है। यूएनओ डे 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है आफ्टर बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी। बाकी 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, और आप लोग नेशनल डे जो भी है इम्पॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। हुदहुद, तितली, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब नेचुरल डिज़ास्टर है, साइक्लोन्स हैं। विच इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट? केरल में काफ़ी अच्छी लिटरेसी रेट आप देखने को मिलता है। उसके बाद अब रिसेंटली वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में 100% एजुकेशन हो गया, वो वेस्ट बंगाल में आप देखने को मिलेगा। बाकी हरियाणा लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम है हरियाणा में, और लड़कियाँ ज़्यादा है लड़के कम हैं केरल में। सुब्रतो कप किसके संबंधित? ये है फुटबॉल के संबंधित ट्रॉफी है। आगा खान हॉकी है, और क्रिकेट के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक मूवी बनाया गया है, इस मूवी का डायरेक्ट करने वाला उस डायरेक्टर का नाम है संजय बारू, और ये मनमोहन सिंह के बारे में इसके अंदर डायरेक्ट किया गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, मोर देन 1100 वीडियोस आपको देखने को मिलेगा, और 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स मैंने डिस्कस किया हुआ है, सेग्रीगेट करके काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अगला पंचशील जो अग्रीमेंट है वो किस किस के बीच में साइन हुआ है? इंडिया और चाइना के बीच में ये पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ था। बाकी बांग्लादेश जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था
लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डिवाइड किया था। हमें वेस्ट बंगाल मिल गया, बांग्लादेश पहले था ईस्ट बंगाल, वो अभी बांग्लादेश बन गया। यूएनएससी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वनाथन आनंद इज़ एसोसिएटेड विद, ये चेस का खिलाड़ी आप सभी जानते हैं। और लियांडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, ये सब टेनिस प्लेयर्स है। ओल्ड नेम ऑफ ईरान पूछा गया है, ईरान को पहले हम लोग पर्शिया भी कहते थे। और ऑस्ट्रिया जो है उसकी राजधानी वियन्ना, आप लोग ये याद रखिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाते हैं, और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग मुझे कमेंट करिए सेक्शन में। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, और 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट करिएगा। रबी क्रॉप जो है, इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप इन इंडिया, ये है वीट। ज़्यादा से ज़्यादा वीट कहाँ पाया जाता है आप लोग मुझे मैसेज करिए। कयाक ऐसी एक टर्म है, एक बोट है जिसके अंदर आप एक आदमी बैठ के आराम से कयाकिंग करता है। आप ऋषिकेश वगैरह में जब समंदर गंग वहाँ पे जब पानी निकलता है तो आराम से आप उस रिवर में आप कयाकिंग कर सकते हो। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ इलेक्टेड बाय, जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं वही अपना स्पीकर ऑफ लोकसभा को चुनते हैं। अभी फ़िलहाल कौन है? ओम बिरला एट प्रेजेंट है। टाइग्रिस रिवर जो है किसके थ्रू पास होता है? इराक यानी बगदाद के थ्रू। आप जानते हैं इराक के अंदर टाइग्रिस रिवर उपस्थित है। सियानी रिवर जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा पेरिस में। वैसे ही आप लोगों को हर रिवर्स थेम्स जो है लंदन में है, हर रिवर का आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगर आपको पीडीएफ अगर चाहिए 2100 की, आप मुझे कॉल करिए या मैसेज करिए व्हाट्सएप में, आपको फ्री में दिया जाएगा। अगला, किसको हम फ्लाइंग सिख के नाम पे बुलाए जाते हैं? रिसेंटली एक मूवी निकाला गया था, फरहान अख्तर वॉज द लीडिंग रोल, फ्लाइंग सिख भाग मिल्खा भाग उस मूवी का नाम था, और मिल्खा सिंह के बारे में पूरा मूवी बनाया हुआ था। पहला इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस, सबसे पहला इंडियन विंग कमांडर एयरफोर्स का बिलोंग करते हैं राकेश शर्मा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी एबोला इज़ द नेम ऑफ, ये वायरस है एबोला जो है, इट्स द नेम ऑफ वायरस कह सकते हो। जिस हिसाब से करोना वायरस है वैसे ही एक एबोला वायरस चमगादड़ बैट से ये वायरस आदमी को स्प्रेड हुआ था। आफ्टर असम, अरुणाचल प्रदेश हैज़ बिकम द सेकंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुज कैपिटल इज़ नाउ कनेक्टेड, वो है ईटानगर से। सो ओवरऑल आप लोग अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या बुलाते थे वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश को इससे पहले क्या बुलाते थे वो आप मुझे कमेंट करिए। और झारखंड का एक और कैपिटल स्थापित हुआ है उसका भी नाम हमें बताइएगा। ये है नया नोवा पेपर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग आठवा पेपर भी देख लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों को भी मदद कर देना, शेयर कर देना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरा वीडियो डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन में देखिए ताकि वॉच टाइम मिले। और अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात होके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मेहनत करते रहिएगा, कोई भी अगर शंका है आप फील हो जाइए, फ्री हो जाइए, हम एक फौजी आदमी हैं, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ, मेहनत लगे रहने का, क्योंकि
अगर आपको उस समुंदर के पार जाना तो पड़ेगा, अगर जाना है तो इस समुंदर का किनारा आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं तब तक उस समुंदर के पार पहुंचोगे नहीं। तो आप याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर चीज़ आप लोगों को सर्वाइव करना, सैक्रिफाइस करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो ये बहुत बुरी बात है। एक ही बार आपकी लाइफ आता है, उस लाइफ में थोड़ा सा मेहनत करो, चाहे 30 साल तक हो चाहे 35 साल तक हो, आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मेहनत करो और लगातार करते रहो, शायद आपको फल मिलेगा। इस जर्नी में यूट्यूब में मैं हिंदी स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है। काफ़ी लोग हमसे यही कह रहे थे कि सर हिंदी में बनाइए ताकि हम लोगों का भी आसान हो, आप अंग्रेज़ी से अंग्रेज़ी बताने में हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर अंग्रेज़ी से हिंदी में बताने से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, एक तरफ से अंग्रेज़ी भी सीखेंगे, दूसरी तरफ से आपको हिंदी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हर स्टेट का इंसान आराम से हिंदी भी समझ सकता है, इसीलिए हम अंग्रेज़ी से हिंदी आप लोगों को बताने की डिसाइड किया हुआ है, और बच्चों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं, और हर इंसान को इस चैनल के बारे में पता चले और हर एक इंसान मेहनत करते रहे। थैंक यू गाइस, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू, अगला वीडियो से फिर मुलाकात होगी। चलिए समाप्त करते हैं।